अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैंने बहैसियत सहाफ़ी मौजूदा हुकूमत पर रोज़ावल से जितनी भी तनकीद की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं, और मेरी नाकिस राय के मुताबिक इस हुकूमत के इन कामों, अवाम दुश्मन मंसूबों और बेलगाम महंगाई पर तनकीद करना बहैसियत सहाफ़ी मेरा हक था। लेकिन ये भी एक सच है, इस हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात के हल के लिए ऐसे अवाम दोस्त मंसूबे शुरू किए हैं जिसको अगर मैं अवाम के सामने न रखूं तो ये मेरी नज़र में सहाफ़ती बददियानती होगी। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में अवाम अगर एक तरफ महंगाई के दलदल में फंसे हुए हैं तो दूसरी तरफ तबाहाल मईशत विरसे में मिलने के बावजूद सेहत इंसाफ कार्ड, एहसास प्रोग्राम, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शोभा तामीरात, सनतों को दोबारा से अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए सस्ते दामों बिजली की फराहमी, और ख़ासकर मलाकंड डिवीजन के अवाम के लिए मोटरवे, स्वात के अवाम के लिए मालम जब्बा, कालाम और दीगर अहम शहराओं की मेन और लिंक सड़कों की तामीर, स्वात के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से 3 यूनिवर्सिटियाँ जिनमें इंजीनियरिंग, खवातीन और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शामिल है, 6 कॉलेजेस, पनागाहें, माँ और बच्चों के लिए अलग महाना वज़ाइफ, मिंगोरा शहर के अवाम के लिए साफ पानी का ग्रेविटी मंसूबा, जबकि मिंगोरा और कलाम के लिए ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट पर अमल दरामद जैसे अहम मंसूबे शामिल है। तनकीद अपनी जगह, लेकिन इतने सारे मंसूबों पर तारीफ भी इस हुकूमत का हक है।